आप सभी को राधा स्वामी सिटी मैम में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ आज के अनमोल विचार के साथ। कितने अनमोल है ये सत्संग के रिश्ते, जानते नहीं किसी को लेकिन फिर भी अपने से लगते हैं। राधा स्वामी सत्संग व्यास के सवाल जवाब सत्र के दौरान पूछे गए प्रश्न भले ही किसी एक संगत ने क्या हो, लेकिन बाबा जी द्वारा दिए गए उत्तर अनेकों संगत के मन की शंकाओं को दूर करते हैं। देखिए आज संगत ने बाबा जी से निजी जीवन भजन सिमरन को लेकर क्या क्या प्रश्न किए। ये महत्वपूर्ण अंश आरएसएस भी चैनल से ले गए। पूरा वीडियो तो हम आपको अपनी नीतियों के कारण नहीं दिखा सकते। पूरे वीडियो को देखने के लिए लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देखिए बाबा जी ने क्या उत्तर दिया। बाबा जी गोल्डन चांस देने लिए बहुत बहुत शुक्र है तुहाडा। कभी मैं सोचा नहीं सी मेरा पूरे परमात्मा नाल गलबात होएगी। मेरे दातिया मैं ना भजन सिमरन ते बाबा जी जदों बैठी ना एक बारी शब्द इन्ना उच्ची मतलब हो गया ना मैं घबरा गई सी ते मैं बाबा जी अखां खोल लियां सी वह बंद हो गया। ऐ नहीं हुंदा बेटा, मालिक कोई चीज़ दे के वापस नहीं लैंदा। ये साडे मन दा भरम है और कुछ नहीं गा। साडा ध्यान भटक जांदा, मालिक नहीं कदे वापस लैंदा। बाबा जी भजन सिमरन वेले जे अपने वालों बार बार यतन करन ते भी मन ना टिके, मन एकागर ना हो, मन बाहर ही बार भटकता रहे, तो ऐसी स्थिति विच की करना चाहिए है कि मन बेटा तुसी करी चलो, ठीक है ना। वो कहंदे है कि उही तुपका बार बार पत्थर ते भी डिगे ना तो पत्थर नू तोड़ दिंदा है। हुण सानू नहीं पता कि साडे किन्ने कर्म है या किस अवस्था विचों आपां आए, मगर आगे इहदा मतलब मालिक की बख्शिश है। नाम मिल गया इहदा मतलब साडे विच उह काबिलियत है। सो इस करके परखां च नहीं परना, बस करी चलो। और अक्सर ना यतन करन दे बावजूद भी बाबा जी ये दुनिया दे ख्याल दुनिया दे शक्लां पदार्थ इन्हां दा ध्यान जरूर आउंदा है बेटा, ये पर तुहाडा ध्यान यतन करन दे भी नहीं आउंदा। वो इस करके कि इन्हां दा इन्ना प्रभाव पड़िया पिया होया साडी जिंदगी तो पहला ही बेटा। असीं सोचदे हां साडी सोच दे नाल सानूं ऐ लगदा कि मैनूं इस रस्ते दे उत्ते चलना चाहीदा, मगर जिहड़े प्रभाव पए होए हन उह सानूं आदत तों मजबूर कर दिंदे आ। हुण भजन सिमरन करांगे तो वह प्रभाव हल्के पैणगे, तां असीं सोच नूं अगे रख के सही रस्ते ते चल सकांगे बेटा। सो इस करके परखां च ना पाओ, करी चलो। जे आपां अपने वल्लों जिम्मेवारी निभावांगे ना, बाकी उहदी जिम्मेवारी बणदी आ फिर। बाबा जी मेरा दूसरा प्रश्न है, जे किसी जीव ने आपे वल्लों सारी जिंदगी सिमरन भजन दा यतन कीता होवे पर फिर भी उन्हों अंदरों कोई रूहानी तरक्की प्रतीत ना होवे, कि अंत वेले उसका किवें निबेड़ा होवेगा, कि वो जीवन मुक्त कैसे। मैं नहीं मानता। जे कोई सच्चे दिल दे नाल भजन सिमरन करता है मालिक की जरूर बख्शिश होगी। मैं नहीं मानता बेटा। असी अद्धा साडा ध्यान हुंदा अद्धा नहीं हुंदा, फिकरां विच पए वे हैं, जिम्मेवारियां सामने हैं, इस करके साडे तो पूरा हुंदा नहीं गा। मगर जे कोई सच्चे दिल दे नाल करूगा ना, मैं नहीं मानता कि उन्हों सारा कुछ हासिल नहीं होगा। बाबा जी हुक्म विच पाने विच रहन दा बल बख्श। राधा स्वामी सत्संग व्यास से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर भी करें।